तो 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त इस कार्यक्रम के लिए निकाला गया है। 12:29 और 8 सेकंड से 12:30 और 32 सेकंड तक का ये शुभ मुहूर्त रहेगा। सुरक्षा का सख्त पहरा अयोध्या को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है और पूजन विधि के यजमान प्रधानमंत्री के हाथों रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अनुष्ठान काशी के प्रख्यात वैदिक आचार्य गणेश्वर द्रविड़ और आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित के निर्देशन में 121 वैदिक आचार्य संपन्न कराएंगे। इसके अलावा 150 से ज्यादा परंपराओं के संत धर्माचार्य और 50 से ज्यादा आदिवासी गिरवासी तटवासी द्वीपवासी जनजातीय परंपराओं की मौजूदगी भी इस कार्यक्रम में रहेगी। भव्य तस्वीरें भव्य अयोध्या की, भव्य राम मंदिर की आपको दिखा रहे हैं। तो अयोध्या धाम से अंदर जो जन्मभूमि परिसर के रास्ते हो जाते हैं गुजरते हैं उन तमाम रास्तों पर इस तरह का आयोजन किया गया है। जगह जगह सर आज आज सर दूधाधारी मंदिर आए हैं, आज भव्य जो रामलला है आज विराजमान होने जा रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री श्री राम। जय श्री राम। आज आज 22 जनवरी का ये दिन देश ही नहीं दुनिया के लिए बहुत गौरव का दिन है और ऐतिहासिक दिन है। आज 500 साल से भी ज़्यादा संघर्षों के बाद में अयोध्या में भगवान राम प्रतिष्ठित हो रहे हैं। आज पूरा देश और दुनिया राममय हो गया है और आज मुख्यमंत्री के नाते मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर रायपुर स्थित दूधाधारी मठ में पहली बार आगमन हुआ है और ये मठ 500 साल पुराना है और इसके संस्थापक पूज्य बलभद्र दास जी महाराज जो सिर्फ दूध का आहार करते थे इसलिए इस मठ का नाम दूधाधारी मठ हुआ है। और आज हमारे प्रधानमंत्री ने हमें ये दिन दिखाया है, सो थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी है कि आज हम सब सनातनी हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं। बस मैं कहना चाहती हूँ जय सियाराम। जय सियाराम। और अभी कुछ देर बाद प्रधानमंत्री संबोधन देने वाले हैं इसी मंच से पीछे से। It's a wonderful occasion, very divine occasion, blessed to be a part of this, very historic and looking forward to seeking blessings of Ramlalla. Obviously it will mean a lot more for us. We'll continue to come to Ayodhya, but this is, you know, to be a part of this occasion is itself a wonderful feeling and really blessed. So how do you see Ayodhya now? It's before and now. This is my first visit, so I'm hoping that you know we'll be coming a lot more for this divine blessing. So yes, really looking forward to the event. Have you visited Ayodhya someplace? Not yet. So after this, yes, for sure. तो तमाम VIPs के reactions हम आपको सुनवा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन अनिल कुंबले जो टीवी की सीता है दीपिका उनके रिएक्शंस हमने आपको सुनाए, प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई। इसके अलावा अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन भी पहुंच चुके हैं
यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो विशिष्ट मेहमान पहुंच रहे हैं उनकी तस्वीरें, उसके अलावा किस तरह से किन शब्दों में वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। तो देखिए, न सिर्फ अयोध्या की तस्वीरें बल्कि देश में जहां जहां राम भक्त इस समय रामलला के आने का इंतजार कर रहे हैं वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आ गए रघुराई, अवध में बाजे बधाई, हर कोई गा रहा है इस समय बंधन बधाई, सोहर भी कई जगह गाई जा रही है क्योंकि रामलला आ रहे हैं। 5 साल की जो प्रतिमा, जो 5 साल के बालक की प्रतिमा होती है, वैसी प्रतिमा बनाई अरुण योगी राजा ने, मैसूर के शिल्पकार, उनकी प्रतिमा का चयन हुआ और अब उस नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी जिसके लिए 84 सेकेंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। और ये शुभ मुहूर्त निकाला है काशी के विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने। तो आज पौष माह की द्वादशी तिथि और अभिजीत मुहूर्त इंद्र योग मृक्षरा नक्षत्र मेष लग्न एवं वृश्चिक नवांश में ये शुभ मुहूर्त किया जाएगा। तमाम मेहमान जो वहां पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर, उनकी तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा हर हलचल, हर तस्वीर, अयोध्या का हर रंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अनिल कुंबले, वेंकटेश प्रसाद अयोध्या पहुंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो खास मेहमान है चंद्रचूड़ वो भी अयोध्या पहुंचे हैं, अनुपम खेर, विवेक ओब्रॉय, सुभाष गई, हमने आपको तस्वीरें दिखाई, अनुपम खेर हनुमानगढ़ी भी पहुंचे थे, वहां पूजा अर्चना की और उसके बाद यहां पहुंचे। तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पूरा होने के बाद संबोधन भी होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत भी यहां संदेश देंगे। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे, इतिहास बनता देख रहा है हिंदुस्तान और हर राम भक्त जो कई पीढ़ियां नहीं देख पाई हैं वो शुभ घड़ी आई है। इसीलिए अवध में आज पुष्प वर्षा का भी की व्यवस्था की गई है और हर कोई बस राम धुन गा रहा है। त्रेता युग में जब वनवास लौटे थे प्रभु राम, उस समय जिस तरह से अयोध्या रही होगी वैसी अयोध्या नजर आ रही है। हर गली हर चौराहे को सजाया गया है फूल माला। भारत आज नया आयाम लिख रहा, धर्म विरोधियों की छतरी बढ़ गई, राम राज्य का प्रारंभ हो गया। हृदय गदगद है, हमारे हनुमान जी खूब नाच रहे हैं राम जी के महोत्सव पर। हम भी बहुत प्रसन्न हैं, आपको धन्यवाद, संपूर्ण भारत को, विश्व को शुभकामना। अब हम जाएं। मत करिए, ऐसा मत करिए, आने दीजिए उनको। तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भी पहुंचे हैं बागेश्वर धाम के और किस अंदाज में उन्होंने यहां पर अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं वो भी आपने सुना। लगातार चर्चाओं में रहते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और अब तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हुआ क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कहना था, वो सिंबलाइज करते थे गुडनेस को और त्याग की भावना को, और आज वो भावना, वो गुडनेस, वो टुगेदरनेस जो है वो हमें यहाँ दिखाई दे रही है। जय श्री राम। अनुपम खेर को सुना आपने, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श गुणों को भी आत्मसात करने की आवश्यकता है, उनके आदर्शों को भी आत्मसात करने की आवश्यकता है। प्रभु राम जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास चले गए और प्रभु राम जो सामाजिक समरसता का संदेश जिन्होंने सबसे पहले दिया, शबरी के जूठे बेर खाए, निषाद राजा से दोस्ती की, दोस्ती निभाई भी, और साथ ही मां अहिल्या जिन पर अपयश का दाग लगा उसके जानने के बावजूद जैसे उन्हें पता चला वो अहिल्या, मां अहिल्या के आश्रम पहुंचते हैं, उनके पैर छूते हैं और उन्हें मां कहकर संबोधित करते हैं। तो प्रभु राम के जीवन दर्शन से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है और इसीलिए राष्ट्र मंदिर इसे कहा गया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तमाम तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस समय आप देख पा रहे हैं और शाम में दीप प्रज्वल का भी कार्यक्रम है, राम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी और देश मनाएगा आज दीपावली। अयोध्या की अगर बात करें तो अयोध्या शाम को 10 लाख दियों से जगमगाएगी। आज की हिंसा समाप्त हो,